थोड़ी सी कम लगेगी, इसलिए मैंने उसे ओपन करके पूरा पेज कर लिया और अभी रेडी है। सेल्फी स्टिक को लैंप ट्रायंगल होल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम उसमें से निकाल देंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज जो हम ट्राइपॉड लैंप बनाने वाले हैं उसके लिए जो मैं ट्राइपॉड यूज करने वाली हूँ वो ब्लैक कलर का है, और मेरा ये जो पूरा DIY है वो ब्लैक कलर में ही होने वाला है। इसीलिए ये जो सेल्फी स्टिक है उसे मुझे पेंट करना है ब्लैक कलर में। यहाँ पे मैं स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं हो तो आप कलर से भी उसे पेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दो ही कोट दिए हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप तीसरा कोट भी देना। मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर आप स्प्रे पेंट यूज करने वाले हो तो मेक श्योर आप वो ओपन एयर में ही करें। यहाँ पर मैं बैल्कनी में स्प्रे पेंटिंग कर रही हूँ। सेल्फी स्टिक की जो हाइट थी वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे ओपन करके पूरा पेंट कर लिया है। आप जब ये DIY करोगे तो उसकी हाइट एक बार चेक कर लेना पेंटिंग करने से पहले। सेल्फी स्टिक का कलर जब तक सूख रहा है तब तक हम लोग ट्राइपॉड को रेडी कर लेते हैं। ये ट्राइपॉड 10 years ओल्ड है और अभी ये खराब हो गया है, तो इसे मैं इस प्रकार से रीयूज कर रही हूँ। ये एक हैंगिंग नाइट लैम्प है जो मैंने अमेजोन से खरीदा था फॉर 300 rupees। ये हैंगिंग लैम्प मेरे नए घर के डेकोर से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए इसे यूटिलाइज किया है। और हमें लगेगा एक बल्ब। सेल्फी स्टिक अच्छे से सूख गई है तो अभी हम इसे ट्राइपॉड से अटैच कर लेंगे। सेल्फी स्टिक को ट्राइपॉड से अटैच करने के लिए यहाँ पर मैं एक कलरलेस सेलोटेप का यूज कर रही हूँ। सेल्फी स्टिक को सेलोटेप से अटैच करने के लिए आप किसी की हेल्प जरूर लेना। एक हाथ से स्टिक पकड़ना और दूसरे हाथ से सेलोटेप लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं सेलोटेप लगाने में। यहाँ पे मैंने सेलोटेप्स के 3 to 4 rounds लगाए हैं ताकि सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड से अच्छे से अटैच हो जाए और जब भी हम उसके ऊपर लैंप लगाए तो वो उसका वेट उठा सके। सेलोटेप को छुपाने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक सेलोटेप का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि वो अपना जो बेस कलर है ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक का उससे मैच हो जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर पेंट कर सकते हो या स्प्रे पेंट भी कर सकते हो। हमारे लैंप का जो बेस है वो अभी रेडी है। सेल्फी स्टिक को लैंप अटैच करने से पहले आप उसकी लेंथ एडजस्ट कर लेना। लैंप का जो प्लग है वो हम सेल्फी स्टिक का जो रेक्टेंगल होल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है हम उसमें से निकाल लेंगे। सेल्फी स्टिक का जो मोबाइल होल्डर है उसे हम ओपन करेंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड हाइट है उस हिसाब से उसे एडजस्ट करके वापस बंद कर देंगे। लैंप की जो वायर है वो हम सेल्फी स्टिक के सेंटर पे अच्छे से बिठा देंगे ताकि सेल्फी स्टिक लैंप का जो वेट है वो अच्छे से बैलेंस कर सके। इस वायर को हम होल के अंदर छिपा देंगे। लैंप की जो वायर है वो हम सेल्फी स्टिक से अटैच कर देंगे सेलोटेप की मदद से ताकि वो एक सिंगल पीस लगे।
आप वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो कि लैम्प की जो वायर है वो अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है और इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। लैम्प की जो वायर है वो थोड़ी सी मैसी लग रही थी, इसीलिए हम इसे भी छुपा देंगे। लैम्प की जो वायर है वो हम ट्राइपॉड के लेग से अटैच कर देंगे ब्लैक सेलोटेप की मदद से। लैम्प की जो प्लग की वायर है वो हम कुर्सी के पीछे से लेके जाएंगे ताकि वायर चिप जाए और दिखने में बहुत सुंदर लगे। फाइनली हम बल्ब को लैम्प के साथ अटैच कर देंगे। हमारा जो ट्राइपॉड लैम्प है वो कंप्लीटली रेडी है। आगे जाके आप वीडियो में जरूर देखना कि वो डे लाइट में और नाइट टाइम में कैसे लगता है। फ्रेंड्स, हमारा जो ट्राइपॉड लैम्प है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। डीआईवाई करते वक्त कभी कभी कलर थोड़ा सा इधर उधर से निकल जाता है, तो उसे कवर करने के लिए यहाँ पे हम ब्लैक कलर से टचअप कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें।